नमस्ते और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के मेडिटेशन चैलेंज में। आज हम ध्यान देने वाले हैं हमारे अनाहत चक्र पर। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपने मैट पर बैठ जाइए, कोई भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में आ जाएं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर पीठ को दीवार के अगेंस्ट लगाकर बैठ सकते हैं या फिर आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। तो एक बार आप अपने पोजीशन में आ गए तो अपनी पीठ को सीधा रख लीजिए, कंधों को हल्के से पीछे कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाकर इस तरह से घुटनों पर रख दें और धीरे से जब भी आप तैयार हो आँखों को बंद कर लें। जैसे ही आपकी आंखें बंद हो जाएं, आप अपना सारा ध्यान अपने अंदर की दुनिया पर ले आइए। किस तरह आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, किस तरह इस वक्त आप इस मैट पर बैठे हैं, किस तरह का एहसास आपके शरीर में है, और आप क्या अनुभव कर रहे हैं इस वक्त। कुछ पलों के लिए बस धारणा और ध्यान लगाने की कोशिश, उसके बाद हम अनाहत चक्र की ओर बढ़ेंगे। और अब धीरे से जब आपका सारा ध्यान अंदर की दुनिया की तरफ बढ़ चुका हो तो आप अपना ध्यान अपने छाती की ओर ले जाएं। छाती के बिल्कुल बीचों बीच जहां हमारी हड्डी है, जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, वहां अपना ध्यान ले जाएं और वहीं अपने छाती के बीचों बीच हमारा अनाहत चक्र स्थित है।
यह चक्र काफी यूनिक है क्योंकि वो नीचे वाले तीन चक्रों और ऊपर वाले तीन चक्रों के भी बीचों बीच है। तो इस चक्र को समझने और सीखने से हम अपने आप के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और सीख सकते हैं कि हम दूसरों के प्रति और अपने आप के प्रति किस तरह से ज्यादा प्रेम बढ़ा सकते हैं। तो आइए इस चक्र पर ध्यान दें। इस चक्र का रंग है हरा, यानी कि ग्रीन, और इस ग्रीन कलर के चक्र को हम विजुलाइज करेंगे, देखेंगे अपने मन के आँख के साथ। इस चक्र का आवाज है यम, य और म। आप हर सांस के साथ यम की पुकार लगाएंगे, उसका जप करेंगे अपने मन में, और मन की आंख से उस हरी रोशनी को छाती के बीचों बीच देखते रहेंगे। तो आइए कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत रहकर इस चक्र पर ध्यान दें। बस कुछ और पलों के लिए शांत रहकर यम का उच्चार करते हुए अपने अनाहत चक्र पर ध्यान।
अब धीरे से जब भी आप तैयार हो अपना ध्यान धीरे धीरे वापस ले आएं। आपके अनाहत चक्र को धीरे से बंद करते हुए उसे अपना काम करने दीजिए और आप अपना ध्यान उसे ऊपर उठाकर वापस इस स्थिति में इस वक्त में ले आइए। कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे हम वापस आने का प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे आप वापस आने लगे गहरी सांसें लीजिए और जो आपने अनाहत चक्र के बारे में सीखा है उसे आप अपने जहन में अपने दिमाग में रहने दीजिए। अब हम बढ़ेंगे इस सेशन के समाप्ति की ओर। दोनों हाथों को धीरे से अपने छाती के सामने ले आएं, गहरी सांस अंदर ओ, और फिर धीरे से दोनों हाथों को रगड़ लीजिए। हाथों के बीच में थोड़ी गर्माहट पैदा करते हुए फिर हाथों को आंखों पर रख लीजिए और धीरे से छाती के सामने ले आएं, आंखों को खोले, हाथों की ओर देखें और फिर धीरे से एक मुस्कान के साथ वापस आ जाएं। तो ये था हमारा अनाहत चक्र का मेडिटेशन। मुझे उम्मीद है कि आप सीख पाए हैं आपके अनाहत चक्र के बारे में और इससे क्या आप सीख सकते हैं अपने आप के बारे में। ये चक्र बहुत ही ज़रूरी होता है और जैसे मैंने बताया तीन नीचे के और तीन ऊपर के चक्रों के बिल्कुल बीचों बीच ये चक्र है। तो इस पर आप ध्यान देने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आपका खुद पर प्रेम और दूसरों पर भी बढ़ जाता है। इसके साथ हम आपसे विदा लेंगे और कल मिलेंगे डे 10 के लिए। अपना ख्याल रखें। नमस्ते।